सामने देखिए सामने। क्या गदर 2 बॉक्स ऑफिस के साथ साथ देओल फैमिली के पारिवारिक रिश्ते के लिए लाइक गुड न्यूज। सनी पाजी अपने सौतेले भाई सनी के साथ नजर आकर ईशा देओल ने किया ऑल इज वेल का इशारा। सामने देखिए सामने। लेकिन हेमा मालिनी अभी भी क्यों हैं गदर 2 के सक्सेस पर चुप। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र के लिए पर्सनल लाइफ में एक कसक रही है कि उनकी दोनों फैमिली यानी हेमा मालिनी और उनकी पहली वाइफ प्रकाश कौर के बच्चे इतने ज्यादा करीब कभी नहीं रहे। और हाल ही में जब सनी देओल के बेटे करण देओल की शादी में सनी की दोनों सौतेली बहन ईशा देओल और अहना देओल नहीं पहुंची तो ऐसा लगा कि इनके बीच के सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं। पर अब लगता है कि गदर 2 ने देओल फैमिली के बीच की दूरियों को कम कर दिया है क्योंकि ईशा देओल नजर आई अपने दोनों सौतेले भाइयों के साथ गदर 2 की स्क्रीनिंग पर। जी हाँ, ईशा अपने दोनों भाइयों के बीच खड़ी स्माइल कर रही थी और इस वीडियो को देखकर ऐसा लगा कि धर्मेंद्र की बरसों पुरानी इच्छा पूरी हो गई। यही वजह है धर्म पाजी ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को पोस्ट किया लेकिन उन्होंने कोई कमेंट नहीं लिखा। इससे पहले ईशा देओल ने फिल्म की रिलीज पर भी एक हार्ट वार्मिंग पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था, टुडे लेट्स हियर द लायन रोर एंड रीच सोरिंग हाइट्स, बेस्ट विशेस भैया। वैसे सनी देओल की इस ग्रैंड सक्सेस पर जहां पूरी देओल फैमिली एक साथ नजर आ रही है वहीं अब तक हेमा मालिनी ने इस ग्रैंड सक्सेस पर रिएक्ट नहीं किया है और फैंस को बस अब उनके ही रिएक्शन का इंतजार है। वैसे गदर 2 ने इस साल के सारे कमाई के रिकॉर्ड्स को तोड़ना शुरू कर दिया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म ने सैटरडे तक में 84 करोड़ का बिजनेस कर लिया है और क्रिटिक्स का कहना है कि ये फिल्म फर्स्ट वीक में ही 200 करोड़ का बिजनेस कर सकती है। ये पिक्चर आप लोगों के लिए बनाई थी और आप लोगों को मैं बस यही कहूँगा कि आप लोगों ने इस पिक्चर को खींच लिया है। आज तक ऐसी फिल्में आप लोगों को जहाँ हम हमेशा जीतेंगे। क्या आपने भी देख ली है फिल्म गदर 2? अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कीजिए ऑन सोशल मीडिया। वाइफ नताशा के साथ डिवोर्स के रूमर्स की न्यूज के बाद फरदीन और नताशा को किया गया स्पॉट। फरदीन खान को स्पॉट किया गया उनकी फैमिली के साथ। क्या नताशा और फरदीन फिर से साथ आने की कर रहे हैं कोशिश? फरदीन खान को उनकी फैमिली के साथ किया गया स्पॉट। ऐसी न्यूज थी कि फरदीन खान और उनकी वाइफ नताशा एक दूसरे के साथ डिवोर्स लेने वाले हैं। 18 साल की शादी के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ता खत्म करने जा रहे हैं, ऐसी न्यूज मीडिया में थी। ऐसे में फरदीन खान और उनकी वाइफ नताशा को साथ में मुंबई के एक स्पोर्ट्स वेयर स्टोर से निकलते हुए किया गया स्पॉट। फरदीन डोन्ड अ ग्रे टी शर्ट एंड ब्राउन ट्रैक पैंट्स व्हाइल नताशा वोर अ कंफर्टेबल व्हाइट समर ड्रेस। आपको बता दें कि ऐसी न्यूज थी कि नताशा और फरदीन पिछले एक साल से साथ में नहीं रह रहे हैं। अ फ्रेंड ऑफ फरदीन रिवील्ड टू ज़ूम डिजिटल दैट द कपल बिगन फॉलिंग अपार्ट बैक इन 2009 आफ्टर द पासिंग अवे ऑफ फिरोज खान। वैसे खबर ये भी थी कि फरदीन और नताशा के बीच तकरार की वजह उनके बच्चों की पढ़ाई भी थी, जहां नताशा की चाहत थी कि उनके बच्चे दुबई में पढ़े वहीं फरदीन मुंबई में उनकी एजुकेशन चाहते थे। वैसे जहां तक फरदीन खान की बात करें तो वो एक बार फिर से कमबैक की तैयारी में हैं। लास्ट फरदीन खान को 2010 में आई दूल्हा मिल गया में देखा गया था जिसके बाद वो अपने बढ़े वेट की वजह से न्यूज में भी रहे लेकिन अब फरदीन खान ने फिर से अपना वेट रिड्यूस कर लिया है। He now has Visport with Sanjay Gupta and Heera Mandi with Sanjay Leela Bhansali. Recently, social media पर आई एक वीडियो में फरदीन का फिट एंड फैब अवतार भी देखा जा सकता है। इस क्यूट बर्थडे सेलिब्रेशन की वीडियो में फरदीन खान आदित्य रॉय कपूर के साथ नजर आए और वो वहीं अपने पुराने अंदाज में दिखे। वेल, फरदीन खान को फिर से स्क्रीन पर देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग।
पहले उर्फी जावेद और यस्टरियर एक्ट्रेस जीनत अमान की एक इवेंट पर हुई मुलाकात अब भी एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। दरअसल इनमें उर्फी जावेद मेट वेटरन एक्ट्रेस जीनत अमान एट अ फैशन इवेंट इन मुंबई, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जीनत वॉज स्पॉटेड चेकिंग आउट उर्फीज आउटफिट। रिसेंटली उर्फी के एक फैन ने फिर इस वीडियो पर कॉमेंट किया, स्टिल कांट फॉरगेट द वे शी वॉज लुकिंग एट उर्फी जावेद लाइक शी वॉज अ रिपल्सिव इंसेक्ट, जिस पर उर्फी ने रिएक्ट किया, इवन आई कांट फॉरगेट। उर्फी ने इस कॉन्वर्जेशन का स्क्रीन शॉट अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया एंड कैप्शनड इट मी टू मी टू। सबसे कौन जीतने वाला बिग बॉस यार? मेरे हिसाब से तो मैं ही जीतने वाली थी लास्ट सीजन में। अभी का सीजन में अरे अभिषेक जीत जाए, अच्छा लड़का है। एल्फिश भी जीत सकता है, मनीषा भी जीत सकती है। और पूजा, पूजा जीत चुकी है, लोगों के दिल उनको जरूरत ही नहीं है अब। अमिताभ बच्चन का रियलिटी क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति 15 आज से प्रीमियर के लिए तैयार है, और जिसे टीवी के साथ साथ अब आप ओटीटी पर भी देख सकते हैं। केबीसी 15 जहां सोनी टीवी पर दिखाया जाएगा फ्रॉम अगस्त 14, 2023 एट 9 PM IST, वहीं ये शो ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर भी स्ट्रीम होगा, ताकि डिजिटल ऑडियंस भी शो का लुत्फ उठा सके। तो क्या आप तैयार हैं केबीसी 15 के ग्रैंड प्रीमियर के लिए? अभिषेक मल्हान के फैंस के लिए है एक बेहद बुरी खबर। बीबीओटीटी 2 ग्रैंड फिनाले से ठीक पहले अभिषेक की तबीयत बिगड़ गई, और जिसके चलते अब वो फिनाले एपिसोड के लिए नहीं कर पाएंगे परफॉर्म। रिपोर्टेडली वायरल फीवर की वजह से अभिषेक को बॉडी एक और वीकनेस हो गई। अभिषेक की सिस्टर प्रेरणा ने सोशल मीडिया पर उनकी हेल्थ अपडेट देते हुए लिखा, जस्ट गॉट टू नो अभिषेक इज क्वाइट अनवेल एंड प्रोबेबली एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, सो ही वोंट बी एबल टू परफॉर्म फॉर यू ऑल टुनाइट। ही हैज एंटरटेन्ड अस थॉरली थ्रू एंड थ्रू दिस सीजन, लेट्स प्रे फॉर हिज स्पीडी रिकवरी। बता दें अगस्त 14 को होने वाले बिग बॉस ओटीटी 2 के ग्रैंड फिनाले के लिए सभी के एक्साइटमेंट पीक पर है, पर अभिषेक के फैंस के लिए ये खबर थोड़ी अपसेटिंग है जो उनके जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं।